नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी, आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरा पट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार स्थित सम्राट इंडस्ट्रीज आलमारी की फैक्ट्री में बुधवार की सुबह लगभग 8 बजे आग लग जाने से तेज धमाका हुआ, जिसमें प्रतिष्ठान के मालिक संजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय प्रेमचंद गुप्ता घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बिंद्रा बाजार में नहर के पास सम्राट इंडस्ट्रीज आलमारी की फैक्ट्री है, जिसमें बुधवार की सुबह 8 बजे के लगभग तेज धमाका हुआ, जिससे क्षेत्र के अगल-बगल के लोगों में दहशत हो गई। लोगों को एहसास हुआ कि यह धमाका फैक्ट्री में हुआ, जिससे पास पड़ोस के लोग वहां मौके पर पहुंच गए। घटना में दुकान के मालिक संजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय प्रेमचंद गुप्ता घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सुबह का समय होने से वहां कोई अन्य नहीं था, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि लोग सिहर उठे। धमाके के बाद धू-धू करके आग लग गई। स्थानीय लोगों ने थाना गंभीरपुर में सूचना दिया। थानाध्यक्ष बसंत लाल द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने के प्रयास में जुटे थे। फायर ब्रिगेड पहुंचने के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। जानकारी पाकर जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और जांच में जुट गए कि धमाके का कारण क्या था। सूचना पर जिला फायर अधिकारी विवेक शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि अब यह जांच का विषय है, जांच करने पर ही इसके कारण को स्पष्ट किया जा सकता है, तब तक के लिए इसमें अब कोई नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि बिंद्रा बाजार में कई फैक्ट्रियां चल रही है, अब किसके पास क्या स्थिति है, इसके लिए टीम गठित करके जाँच की जाएगी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर पेंटिंग भट्टी में पेंट को प्रेशर में रखने के लिए लगा सिलेंडर फट गया था, जिससे यह धमाका हुआ। अभी जब मौके पर आके देखा है यहाँ पे, तो एक जो पेंट हो जाओ कर लेते हैं मशीन पर, जो अलमारी बनती है, तो उससे सुखाने के लिए, गर्म करने के लिए मशीन हीटर होता है, हीटर के अंदर किसी वजह से इसमें ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से आग लगी है। तुरंत यहाँ पर लालगंज से दो गाड़ियाँ हमारी तुरंत आई, जैसे पता लगा आग को बुझा लिया गया। ऐसा भी पता लगा है कि जो मालिक थे, जो यहाँ प्रेजेंट थे उस टाइम पर, उनकी थोड़ी चोट आई है जो आग जो ब्लास्ट होने की वजह से, तो वो आजमगढ़ में है अभी भर्ती, तो उनको भी अभी देखेंगे जाके। बाकी कोई और कोई नुकसान नहीं है, और इसके जो कागज़ हैं, ये फैक्ट्री चल रही थी बिना लाइसेंस, चल रही थी लाइसेंस के साथ चल रही थी, इसका ही पता लगाया जा रहा है। और इस तरह की कितनी फैक्ट्रियाँ और हैं गंभीरपुर में यहाँ पर, उनका भी आज हम लोग निरीक्षण करेंगे। आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में बुधवार को यूपी के टॉप 10 अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह की गैंगस्टर के मामले में पेशी हुई। उसे कासगंज जेल से भारी सुरक्षा के साथ आजमगढ़ लाया गया। दो अलग अलग गैंगस्टर के मुकदमों में उसकी पेशी हुई। इन दोनों मामले की अगली पेशी 16 जुलाई को होगी। कुंटू सिंह पर 71 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल कोर्ट ने कुंटू सिंह को कासगंज जेल भेजने का आदेश दिया है। पेशी के दौरान माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह ने सुनवाई कर रहे जज से गुहार लगाई है। जज से गुहार लगाते हुए कुंटू सिंह ने कहा कि गला बहुत खराब है, न तो जेल में खाना अच्छा मिल रहा है और न ही इलाज, ऐसे में हमारी समस्या का समाधान कराया जाए। आपको बता दें कि ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह यूपी के टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल है।
माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू कासगंज जेल में, पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। यह सजा आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 मई 2022 को सुनाई थी। कुंटू सिंह डी 11 गैंग का सरगना है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार माफिया पर 71 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घोरट हरबंशपुर में बुधवार को डॉक्टर मनीष यादव एमबीबीएस एमएस कंसल्टेंट आर्थोपेडिक्स का हॉस्पिटल के संस्थापक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव ने माल्यार्पण एवं बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष यादव द्वारा बताया गया, वर्तमान समय में देखा गया है कि खानपान में रासायनिक का प्रयोग एवं दूषित वातावरण के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों में तमाम बीमारियां जैसे अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। डॉक्टर मनीष यादव ने बताया कि सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आर्थोपेडिक्स से संबंधित आधुनिक तकनीक एवं सुविधाएं उपलब्ध है। इस अवसर पर संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इस दौरान डॉक्टर रजनीश यादव, राजीव, बबीता यादव, ऋषु शर्मा, नीलू यादव, कृष्णकांत गोंड, मंजू यादव, अनुष्का विश्वकर्मा सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहे। हमारे यहाँ जो है डॉक्टर मनीष यादव आर्थो के डॉक्टर हैं। आपने दिल्ली से जो है अपनी डिग्री लिया है और उन्होंने बात किया और जितने भी हड्डी कमर दर्द जो भी इस तरह के बड़े घुटने के ऑपरेशन हैं आप द्वारा सरोदा हॉस्पिटल में पर डे जो है ओपीडी की जाएगी और इस तरह के जो भी केसेज आएंगे उसके ऑपरेशन किया जाएगा। हमारा प्रयास भी ये भी है कि आयुष्मान के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि जल्द से अगर जो आयुष्मान हॉस्पिटल में हो जाए जाके इस तरह के जो भी पेशेंट आएंगे उनके लिए भी ये सुविधा रहेगी। डॉक्टर साहब से बातचीत हुई, हमने कहा कि हॉस्पिटल है, हम चाहते हैं कि लगातार हमारा प्रयास है कि आजमगढ़ जनपद में एक बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों से बातचीत करके कि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो कोई इस तरह की समस्या है, किसी को हड्डी की समस्या है तो आप उसका पूरा इलाज करेंगे। जो ज़रूरतमंद रहेंगे, गरीब रहेंगे, उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने कुछ अपने तरफ से जो भी सुविधाएं हैं उसके लिए भी हम लोग पूरा एक टीम बना के लोगों की सेवा किया जाएगा, हमारा यही उद्देश्य है। जो है मनीष यादव, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, मैंने अपनी एमबीबीएस एंड एमएस ऑर्थोपेडिक्स सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया हुआ है और मेरा एसआरसी सीनियर रेजिडेंसी ईएसआई बसई धारापुर से किया हुआ है। मैं अभी प्रेजेंटली ज्वाइन किया है सर्वोदय हॉस्पिटल जो कि नियर अबाउट आरटीओ ऑफिस के पास है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी है, मैंने एज ए ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हर सुविधाएं अवेलेबल हैं आपको, जितने प्रकार के ट्रॉमा हो, जो भी ट्रॉमा की सर्जरियाँ, जैसे किसी प्रकार की हड्डी टूटी हो उसका भी इलाज होता है यहाँ पे। यहाँ पे कुल्हा बदला जाता है, यहाँ पे घुटना बदला जाता है, दूरबीन से घुटने और कंधे के ऑपरेशन होता है। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई भी दिक्कत हो तो इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा, बिना ऑपरेशन के द्वारा भी किया जाता है। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन भी लगाया जाता है, ठीक, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो इसका ऑपरेशन भी होता है। और यहाँ पे हर प्रकार के जोड़ों के दर्द का इलाज किया जाता है। यहाँ पर हर सुविधाएं आयुष्मान के द्वारा फ्री में की जाएंगी। गर्दन का दर्द हुआ, जितने शरीर के सभी जोड़ों में दर्द हुआ, गठिया बाई का इलाज भी किया जाता है। ठीक है, घुटने में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, कभी कभी क्या होता है पैरों में तलवों में जलन होता है, या कभी कभी इसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, ऑर्थोपेडिक टर्म में बोलते हैं प्लांटर फेसाइटिस, इसका भी इलाज यहाँ किया जाता है। और सर्वाइकल की बीमारी का मतलब जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन रीजन क्या है सर्वाइकल का, कि सर्वाइकल की बीमारियाँ तीन डिफरेंट अलग अलग टाइप की होती हैं सर्वाइकल का। एक तो जो इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन सर्वाइकल पोस्चर बीमारी होती है, जितने कंप्यूटर वर्किंग वाले बंदे होते हैं जो बैठे होते हैं, क्या होते हैं गर्दन स्ट्रेट होती है, तो क्या कहते हैं बैठे तो गर्दन स्ट्रेट होने से क्या होता है स्पाइन जम स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, उसकी एक बीमारी होती है, लोग मोबाइल हमेशा गर्दन देखते रहते हैं उसके होता है। तो इसको सर्वाइकल को बीमारी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। सर्वाइकल बीमारी होते हैं सर्वाइकल उसे बोलते हैं, पहला होता है एक्जियल पेन, एक्जियल पेन का या नेक पेन बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि आपकी जो नेप होती है नेक पीछे वहाँ पे दर्द होता है, कुछ छूने पर से दर्द, मसल में दर्द होगा, ऐसे कुछ और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या करना है, इस मरीज इसका इलाज एक ही सबसे अच्छा तरीका है कि मरीज को या तो तकिया मत लगाए घर पे, या तो अगर सर्वाइकल यूज करना है तो सर्वाइकल पिलो यूज करें। और मरीज को क्या करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए सबसे पहले, कि ऐसे ही कसरत आगे की तरफ
फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है, दोनों हाथ आगे करके, और फिर इसको क्या करना है ऐसे, ठीक, और एक लैटरल बेंडिंग इधर बेंड कर इधर कर करना, दिन में 3 बार करना चाहिए कम से कम। और ये कि गुनगुने पानी से सिकाई भी करनी चाहिए इसका, ये और कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा ले लीजिए और कैल्शियम, इससे आराम मिल जाएगा। एक दो थी कभी कभी क्या होता है कि एक बीमारी जिसका नाम होता है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का होता है, मरीज को पूछेंगे कि मरीज बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरा जब गर्दन में दर्द होता है तो हाथों में आता दर्द और पूरी झुंझुनाहट होती है, लगता है कि चीटी दौड़ रही है, सुनापन हो रहा है, तो ये बीमारियाँ लगे। इसमें क्या होती है कि नसें दबती हैं आपकी, ये मेनली उम्र ओल्ड एज की बीमारी है। जब बुढ़ापा बढ़ता है तो क्या होता है, हड्डियाँ में डिजनरेटिव चेंजेज होते हैं, उससे इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस कम होता है तो दबने लगती है, दबने लगती है तो क्या होगी कि नसें दबेंगी, नसें दबेंगी तो उससे क्या होगा, हाथों में झुंझुनापन जलन सब कुछ होगी। इसका इलाज अलग होता है, या तो फिर मरीज अलग हो, या तो इसमें इसको भी रोल आउट करना होता है कि मरीज कहीं डायबिटिक का पेशेंट तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होती तभी भी ये पेन होता है। कभी कभी मरीज को क्या होता है कि हाँ एक बीमारी होती है जो रूमिस करके आते हैं, कभी कभी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है, तो उसका भी सिम्टम कभी कभी इससे कोरिलेट करते हैं, तो इसका इलाज अलग होता है। इसमें क्या होता है, अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर ऐसा झुंझुनापन है, इसमें आप तो एक प्रिगाबालिन या मेथाइलकोबालामिन चला सकते हैं प्लस एंटीमेथाबोलिक चला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है मरीज को आप देखें, कभी कभी मरीज अब उपड़ी में आता है तो एक बीमारी तो बोलते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी। इसमें मेनली क्या होता है कि अभी तक तो नसें दब रही थी, इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के पीछे सर्वाइकल कॉर्ड होती है उसको क्या कर दबने लगती है। इसमें सर्वाइकल कॉर्ड की बीमारी आप देखिए कुछ अलग बीमारियाँ होती, क्या तो मरीज को टाइप होगा, या तो ऐसी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है नसों की जाके सीधे कॉर्ड को दबा रही है, एक तो तरीका हो सकता है, या तो कुछ कैसी मलिग्नेंसी होंगी या मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगी, इससे कभी कभी दबने लगती है स्पाइनल कॉर्ड। इसमें मरीज कैसे आएगा, मरीज ऐसे आएगा कि आप देखेंगे पहले सबसे पहले अगर मरीज आपके ओपनिंग में घुसता है तो पहले आप उसमें मरीज की चाल देखिए, मरीज पैर लड़खड़ाते हुए तो नहीं आ रहा, मरीज का पैर की चाल कैसी है, मतलब धीरे चल रहा है कि बहुत लड़खड़ाते हुए चल रहा है, एक चीज़ हो गया। अगर आपके मरीज आपके पास आके बैठता है तो उसे पूछिए कि आपको जो उंगलियाँ हैं ये जो कुछ भी पकड़ने के लिए, कुछ भी पकड़ने के बोलिए तो उसकी हैंड ग्रिप डिक्रीज रहेगी, एकदम वीक रहेगी, कुछ नहीं कर पाए। आप बोलेंगे ऐसे करिए, जैसे हम करते हैं नॉर्मल, हमारा बहुत तेज़ होगा तो मरीज बहुत धीरे धीरे कर ही नहीं पाएगा तेज़ से, ये होता है। तो मतलब ये सिम्टम आपके सर्वाइकल माइलोपैथी के हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड दब रही, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। इसमें मैनली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी लोग करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो इसका ऑपरेशन होता है। देखिए मेरा था कि मैं यहाँ पहले मेरी ट्वेल्थ की पढ़ाई है, मैं यहाँ से चिल्ड्रेन कॉलेज से 9th से 12th तक पढ़ा हूँ, मैं 2006 में पास आउट हुआ था। मैं रहने वाला मोहम्मदाबाद का, मोहम्मदाबाद वलीपुर जगह है, वहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से पढ़ के फिर पहले कानपुर तैयारी किया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन यूपी में भी हुआ था और सफदरजंग भी हुआ था, मैं सफदरजंग चला गया था, वहाँ ज्वाइन किया मैंने, वहाँ से MBBS MS किया, SRC भी किया वहाँ से, ठीक। उसके बाद फिर मेनली मैं आने का रीज़न मेरा यह था कि मेरे फादर यहीं मेरा घर है, मैं हम दो भाई हैं, मेरी मदर नहीं है, तो मेरे फादर सिंगल हैं, तो मुझे फादर देखना भी हर बेटे का फ़र्ज होता है कि फादर को देखना भी होता है, इसलिए मैंने आजमगढ़ आया। और मेरा रीज़न था कि मुझे जब मैं अपनी ज़मीन से जुड़ा हूँ आजमगढ़, तो आजमगढ़ के लिए कुछ भला करूँ, इसलिए मैं आजमगढ़ आके ज्वाइन किया। मैंने पूरा आजमगढ़ पूरा चक्कर मारा, तो मुझे आकर मतलब कि सर्वोदय हॉस्पिटल जब आया तो मुझे पूरा खुला स्पेस, मतलब एक जैसे हॉस्पिटल की फैसिलिटी होती है, मतलब खुला स्पेस होना चाहिए, अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छे सब कुछ, मतलब यहाँ के जो चीज़ें सब कुछ अच्छी है, ठीक है। तो मैंने इस सर से बात की तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे, तभी 9 से 12 बैठ रहा हूँ। अगर मरीजों की संख्या अगर रिस्पॉन्स मिलेगा बढ़ेंगे तो मैं इसका टाइमिंग बढ़ा दूँगा, और हर प्रकार का इलाज होता है यहाँ पर, हड्डी से कोई भी बीमारी हर प्रकार का इलाज, पैरों का टेढ़ापन कोई भी हो उसका भी इलाज होता है, नस कट जाए या टेंडन कट जाए ताकि उसका भी इलाज यहाँ पे अवेलेबल है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ इकाई के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र की अगुवाई में बुधवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। इस दौरान राहुल को एक्सीडेंटल हिंदू करार देते हुए जमकर भड़ास निकाली गई। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र ने कहा कि राहुल गांधी लगातार बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने संसद में जिस तरह से हिंदुओं को हिंसक बताया है, भगवान शिव की तस्वीर को लेकर राजनीति की है, वह निंदनीय है और इस मामले में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नेताओं ने राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर से इस मामले में दखल दिए जाने और राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
राहुल गांधी के बयान का समर्थन करने वाले उद्धव ठाकरे के बयान को आड़े हाथों लेते हुए श्री मिश्र ने कहा कि आज उनके पिता बाला साहेब जीवन पर्यंत हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठाएं, आज उनके पुत्र वोट की चाहत में हिंदुओं के विरोध में बयान देने वाले एक्सीडेंटल राहुल की वकालत कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला महामंत्री मिथिलेश चौरसिया, जिला मोर्चा के गौतम राय व रवि यादव ने मांग की है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की जाए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपनी इस मांग को लेकर वह लगातार लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी का यह कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतला फूंकने वालों में जिला महामंत्री मिथिलेश चौरसिया, जिला महामंत्री गौतम राय, जिला उपाध्यक्ष रवि यादव, जिला मंत्री मनीष गुप्ता, शिवम सिंह, नगर अध्यक्ष आकाश गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष बलवंत चौहान, मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह, राम निवास सिंह, कृष्ण मणि उपाध्याय, आनंद गुप्ता, दिनेश सोनकर आदि शामिल रहे। राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू है, कम से कम मुझे तो, मैं बार बार कहता हूँ कि इसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि ये हिंदू है या किसी और नाजायज औलाद है। इसका कहीं न कहीं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो ये मंदिर मंदिर घूम करके जनेऊ दिखाएगा, ब्राह्मण बनने का नाटक करेगा और सदन में जितने हिंदू समाज हैं सबको आहत करने का काम, जो कि हिंदू समाज को हिंसक बता करके पूरा हिंदू समाज को आहत करने का काम किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके खिलाफ सदन से निंदा प्रस्ताव होना चाहिए और मैं हिंदू समाज से आह्वान करता हूं कि जगह जगह पर इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव जाना चाहिए कि ताकि इसको समझ में आए कि आजमगढ़ नहीं पूरे देश का हिंदू सोया नहीं है, इसके खिलाफ आंदोलित है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा थाना मुबारकपुर एवं थाना जहानागंज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण कर अच्छी साफ सफाई रखने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस कर्मियों से लागू किए गए नए कानूनों से संबंधित प्रश्न पूछे। थाना जहानागंज में थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना कार्यालय के सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण कर नियुक्त कर्मचारियों को नए कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मुकदमों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना परिसर में नियमित साफ सफाई बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। थाना परिसर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की स्थिति परखी। जनसुनवाई रजिस्टर का अवलोकन कर संबंधित पुलिस कर्मी को समस्त प्रार्थना पत्रों को रजिस्टर में अंकित करने तथा समय से निस्तारित कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में मंगलवार देर सांय कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की उपस्थिति में आगामी जगन्नाथ यात्रा, मुहर्रम, कांवड़ यात्रा, सावन मेला के आयोजनों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं अन्य तैयारियां की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आयोजन में किसी नई परंपरा को प्रारंभ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में नए रूटोड़ पर ताजिया का जुलूस न निकले। उन्होंने कहा कि आयोजकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया जाए कि किसी भी दशा में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम सीओ को निर्देशित किया कि पीस कमेटी के साथ ही आयोजकों की भी बैठक सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ताजियों की ऊंचाई के संबंध में आयोजकों से बात कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानक के अनुसार ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ताजिए का जुलूस यदि किसी भी व्यक्तिगत जमीन खेत से होकर जाता है तो संबंधित से बातचीत कर सहमति ले लिया जाए, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद ना हो। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी विवादित स्थान है या पूर्व में विवाद हुआ है तो दोनों पक्षों को बुलाकर बात करें तथा सहमति ले लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जुलूस के दौरान यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जुलूस के रूटों का निरीक्षण कर लिया जाए तथा विद्युत के लटके तारों को सही करें। उन्होंने कहा कि स्थानों के रूटों पर घरों के छत को चेक कर लें, कहीं भी ईंट पत्थर आदि कोई अपने छत पर न रखने पाए। उन्होंने कहा कि चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों से निकलने वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करें। उन्होंने कहा कि सभी सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील होने चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावण मास कावड़ यात्रा के दृष्टिगत पीडब्ल्यूडी यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर आवागमन योग्य बनाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिशासी अधिकारी डीपीआरओ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी शिवालयों, घाटों एवं मंदिर मार्गों की सफाई एवं मरम्मत किया जाए। उन्होंने कहा कि छुट्टा पशुओं का विचरण न हो। उन्होंने कहा कि घाटों की सीढ़ियों की मरम्मत किया जाए, भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था बना लिया जाए, बैरिकेडिंग करा लिया जाए तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय कर दिया जाए एवं लाइट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने आरटीओ को ओवरलोडेड वाहनों एवं पैसेंजर वाहनों को लगातार चेक करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने कहा कि COSDM पीस कमेटी और ताजियादारों को बुलाकर बैठक कर लें तथा कम्युनिकेशन प्लान तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि एक उपस्थिति रजिस्टर बना लें जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज करें। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार 107/116 में पाबंद करें। उन्होंने कहा कि रूट मार्च एवं फील्ड विजिट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी सभी रूटों एवं स्थानों को जाकर स्वयं देखें। उन्होंने कहा कि सभी COSDM SHO आपसी समन्वय स्थापित कर त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, समस्त SDM CO, DPRO, PWD, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, विद्युत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आदि उपस्थित रहे। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, अफिलियेटेड टू CBSE, एडमिशंस ओपन फ्रॉम क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11, जहां है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडवांस लैब्स, मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस, सेपरेट ग्राउंड फॉर प्री नर्सरी, सेपरेट क्लासेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, music, smart classes and many more facility available. Niswa Girls College Baharpur, Azamgarh ke sabse purane colleges mein se ek hai, jo 1938 se vigyan, vanijya, kala ke kshetra mein utkrisht shiksha pradan kar raha hai. Isne kaksha 9vi se 12vi tak IIT aur NEET ki taiyari ke liye Gravity Institute Lucknow ke saath integrated kakshaein bhi shuru ki hain. Kaksha nursery se 11vi tak pravesh khula hai. उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशन के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, अ CBSE बोर्ड कोएड इंग्लिश मीडियम स्कूल, अ प्लेस फॉर योर लवली किड्स इन योर नियर बाय विसिनिटी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एकेडमिकली, साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजिकली। इट फोकसेस ऑन स्पोर्ट्स एक्टिविटी टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ एवरी चाइल्ड by training their minds and body
for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE Board. Akash Auto Agency, Mahindra Last Mile Mobility के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड पीयू हाफ एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल थ्री व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।